अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम ओके, वालेकुम मैम। अपनी सिटिंग शेयर कर लूं। वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। बस जी मैम, आज ये पूछना था कि इस 7 PM वाले सेशन में हम राइटिंग टास्क 2 करेंगे, और आई थिंक आज 8 PM पे भी सेशन होगा आइल्स का 9 बजे तक। सर, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जी सर, जी उसमें जी हमारे साथ होंगे उसामा, प्रोफेसर उसामा भी हमारे साथ हैं, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी सर ओसामा आप भी। अच्छा सर, ये पूछना था कि आप लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे या रीडिंग वगैरह से स्टार्ट करेंगे 8 PM वाले सेशन में? सर ओसामा, आर यू देयर? जी, सॉरी, 8 PM का क्या करना था, किससे स्टार्ट करना है? ये जो हमने सेशंस बिगाड़ दिए है ना, मतलब लिसनिंग और जी रीडिंग जी वाले। ठीक है, तो मैं चाह सर रहा था कि हमारे 2 सेशंस के अंदर राइटिंग मॉड्यूल डिस्कस हो रहा है, तो बेहतर यही है कि जो हमारा एट ठीक पी एम होगा उसमें हम अपनी प्रीवियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख सके ताकि उन पर ग्रिप लूज ना हाँ हो, तो इसलिए 8 PM पे हम जी सर, ये भी सही है, ये लिसनिंग सही से है सर। स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, गुड डे सर। इंशाल्लाह तो आज होगा इंट्रोडक्शन, ताकि जो नए पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको भी पता चल जाए ना कि आइल्स क्या होता है, कैसे होता है, जी इसलिए एग्जैक्टली, जरूरी बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। और फिर हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रैक्टिस। तो सकते हैं, मैं ये सोच रही थी कि अभी हम इसको 1-2 दिन में जो है इसको वाइंड अप करते हैं, ऐसे को भी, मतलब कि अगर आप लोगों तो ने अभी आप कोई मॉक एग्जाम दे, हमने टाइप्स जो है वो बेसिकली डिस्कस कर ली है। अब वही बात कि हम करना ही है कि अभी सबने अपने एंड पे उसको प्रैक्टिस करना है, तो जैसे भी आप लोग मुझे मतलब सजेस्ट करें कि इसका भी साथ एक मॉक रख लें, अगर आप लोग ये है कि आप लोगों को फिर अपने एंड पे जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जी बिल्कुल मैम। तो आप लोग जी हम मैम, चलेंगे। जी 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 मैम, मैं यही कह रहा था कि हम इसकी मॉक रखेंगे, लेकिन हमें इसमें जो टास्क 2 है, टास्क 1 का तो तकरीबन है, लेकिन उस पर भी प्रैक्टिस हमारी चल रही है साथ साथ, और दिन को मेरी जो फुल टाइम अभी जो उस पर चल रही है, मेरे एक दूसरे कुलीग हैं वो और मैं सुबह से बैठते हैं, और तकरीबन ऑलमोस्ट हम 2 या 3 बजे तक बैठते हैं, हम रीडिंग कर रहे होते हैं साथ, तो तकरीबन हमने 3 बुक्स को अभी तक हमने कवर किया है। तो अब यह है कि टास्क 2 थोड़ा हमें जो है ना डिफिकल्ट लग रहा था, बाकी ये है कि इस पे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, मतलब इस पे प्रैक्टिस ही करना है हमें। तो ये है कि हम जैसे ये आई थिंक फ्राइडे तक होती है क्लास, तो हम फ्राइडे तक इसकी ये करते हैं, उसमें जो भी जिनकी भी कोई क्यूरीज वगैरह हो वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है? अगर कोई किसी का क्वेश्चंस वगैरह हो या क्यूरीज हो तो हम साथ कर लेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह कोई इस तरह सैटरडे या संडे या मंडे को, हम मंडे वाले दिन आप मॉक रख लीजिएगा इसका, टास्क 2 का, ताकि 2 दिन, क्योंकि टास्क 2 थोड़ा लेंदी है और एक बड़ा टास्क है राइटिंग टास्क 2 में, ठीक है? तो राइटिंग का आइल्स में, तो हम इसका जो है ना 2 दिन हमें मिल भी जाएंगे सैटरडे संडे, जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ें आपने पढ़ाई होंगी जुम्मे तक, ठीक है? तो फ्राइडे तक आप इसकी आइल्स टास्क 2 की आप प्रिपरेशन करवा दें, फिर सैटरडे संडे हमें 2 दिन मिल जाएंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद मंडे को आप मंडे वाली क्लास में आप मॉक मॉक रख लीजिएगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी अभी ये है कि ये एक जनरल टॉपिक है, जैसे आप अभी मैंने सामने इधर ही निकाला है, तो हम इसको जी मैम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसके अलावा बेसिकली आप चाहते हैं कि आप मतलब लाइक कोई भी पार्टिसिपेंट चाहता है कि हमें किसी और टॉपिक पे या किसी और जो राइटिंग टास्क है, मतलब अगर आप कोई और टॉपिक इस पर डिस्कस करना करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सब लोग इस पर डिस्कस करें, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी देख सकते हैं। तो जनरली एक मैंने अभी चलो ये टॉपिक निकाला, हम देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, अपने आइडियाज को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जी। सबसे पहले ये कि मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड कर देती हूँ कि सम अच्छा मैम चिल्ड्रन एक स्पेंड। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू सॉरी। मैम, ये इसमें जिस तरह आप माशाल्लाह काफी अच्छा लीड कर रही हैं, तो अब मेरे एक कुलीग थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आइल्स में जो स्टूडेंट्स काफी जो मिस्टेक करते हैं ना, वो ये मिस्टेक करके आते हैं कि उनको टास्क की समझ नहीं आता कि भाई ये टास्क हमसे क्या पूछ रहा है, टू वे ओपिनियन पूछ रहा है या कोई वन वे ओपिनियन पूछ रहा है। तो वो मुझे उस दिन मैंने उनसे बात की तकरीबन, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप कोशिश करें कि पहले जो आइल्स के टास्क, मतलब ये टास्क टू है जिस तरह, ठीक है, टास्क टू में बिल्कुल वो कह रहा था कि शेड टाइप्स होती हैं, तो वो कह रहे थे कि आप पहले टाइप्स को समझ लें, क्योंकि मिस्टेक इस तरह करके आते हैं कि उधर टू वे ओपिनियन होता है, उधर कुछ और लिख के आते हैं, फिर उनके जीरो जीरो बाय जीरो होता है, क्योंकि जो आपका रीडर होता है वो तो ऑलरेडी आपको उसने मार्क करना होता है, तो इसमें फिर ये मिस्टेक्स करके आते हैं स्टूडेंट्स। वैसे उनका तरीका सब कुछ सही होता है, लेकिन जो उधर टू वे ओपिनियन मांगा होता है, उधर वन वे ओपिनियन लिख के आते हैं, तो इस वजह से थोड़ी गलतियां होती हैं। तो ये भी साथ साथ अगर आप मतलब हम सबको बताएंगी जो पार्टिसिपेंट हैं, तो इस तरह हमारी और भी मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। जजाकल्ला। बिल्कुल सही है। ऐसे सर कि ये एक टॉपिक है, अभी मैं यहाँ पे इस पे अभी सबके व्यूज लेती हूँ कि अभी हमें क्या लिखना है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें असल में होना क्या चाहिए। ठीक हो गया सर, ये बेटर है आई थिंक कि ठीक है आप सब मैम, लोग अभी मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखेंगे, हमने इसमें अपना ओपिनियन देना है या इसको किस तरह से हैंडल करना है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि किसने सही बताया और क्या है इसमें, किस को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ओके, मैम, मैं स्टेटमेंट रीड करती हूँ। सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एवरी डे ऑन देयर स्मार्टफोन्स, Why is this case? Now there's a question mark. तो यहाँ पे एक question ही है still. Why is this the case? फिर है, do you think this is a positive or a negative development? Okay, then again a question. Okay, अभी ये question है हमारा, और ये हमें अभी हम नीचे वाली चीजें हमें पता है कि हमने basically क्या क्या लिखना है, हमें idea है, बड़ा body paragraphs होंगे और introduction होगा सारा कुछ। अच्छा आप लोग जैसे अभी मुझे दें, अभी आप जैसे कोई भी बताया आपके ख्याल में हमें इस ऐसे में अपना ओपिनियन देना है, तो किस तरह से देना है और हमें किस किस चीजों को लेकर डिस्कस करना चाहिए, क्या चीजें लिखनी चाहिए। सर मुझे याद आ रहा है आपके एक दोस्त थे सर अब्दुल समद, उनसे उनकी इधर ऐसे पे हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक सो उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हो पाई थी, उन्होंने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया था, तो वो इशू क्रिएट हो गया था। जी तो मैम, इट्स ओके। अच्छा अभी आप लोग मुझे बताएं कि हमें इस ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन लाइक क्या है, आपको क्या फील होता है इसमें, ये कौन सी टाइप है ऐसे की। नहीं मैम महानूर, ये जो है हमारा बेसिकली 12th वीक चल रहा है और 12th वीक का आज फर्स्ट डे है, तो हमारा राइटिंग टास्क 2 है और ये इंशाल्लाह इस जो वीक में एंड हो जाएगा। मैम महनूर आप 8 PM वाली क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं, वो हमारी बिल्कुल स्टार्ट से, आप ये भी ज्वाइन कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं, वो बिल्कुल स्टार्ट से होगा। ओके प्लीज एनीवन आप लोग शेयर करें, आपके ख्याल में क्या है, मतलब कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ जाएंगे, नेगेटिव के साथ जाएंगे, कौन से पॉइंट्स को रखेंगे, उसके बाद हम लिखने पे आते हैं। पहली बात तो वही बात है, अंडरस्टैंडिंग पे है आपकी। मैम हमने ये दिन पहले भी डिस्कशन किया था, तो इसमें थोड़ा सा ना हमें इश्यू था। वो ये था कि हम इसमें सबसे पहले तो मतलब ये एक डिस्कशन की ही तरह लेके हम इसको चलेंगे, लेकिन इसमें अपना ओपिनियन भी हमें देना है। और जैसे इसमें कि व्हाई इज दिस केस,
तो मतलब जो मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मुझे सबसे पहले तो एक जनरल बताना है कि बच्चे जो हैं आजकल स्मार्टफोन पे इतना टाइम स्पेंड क्यों करते हैं, जनरली बता के फिर आगे डू यू थिंक मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव और आ रहा है तो इट्स मीन कि हमने किसी एक साइड को लेके चलना है जो हमारा ओपिनियन है, बट हम किसी और का जो IELTS 17 की जो वो है हमारे पास उस पे हम डॉक्यूमेंट है उस पे हम देख रहे किसी का, तो उसमें वो दोनों को लेके चल रहा था तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी एक को लेकर चलेंगे जो हमारा ओपिनियन होगा, तो फिर लेकिन वाइज दिस केस में हम एक जनरल देंगे उसमें हम दोनों तरफ का भी दे सकते हैं, जैसे है कि AI बेस्ड स्टडी हो रही है या फिर बच्चों को थोड़ा एडवांस होना चाहिए इस तरह से, तो मतलब कि वो क्यों करें क्योंकि स्टडी उनकी ऐसी है उनकी स्कूलिंग ऐसी हो गई अब कि वो उनको स्मार्टफोन यूज करने ही पड़ते हैं। दूसरा अगर थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो एंटरटेनमेंट आ जाता है, तो मतलब दोनों साइड पे हम बायस इस केस में हम दोनों साइड को लेके चल सकते हैं लेकिन आगे हम एक ही रखेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बस। यू मेरा राइट ये मैम। अच्छा कोई और यस जी सर मैम बताएं। मेरा ये जी मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम टू वे ओपिनियंस है और वन वे ओपिनियन है, तो हम इसको किस तरह मतलब हम वो करेंगे कि टू वे ओपिनियन कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे? अब जिस तरह ये राइटिंग टास्क टू है, तो इसमें मतलब कैसे हमें ये हम मतलब अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये वन वे है या टू वे है? यस सर ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसके अलावा कोई भी आप में से अपना ओपिनियन शेयर करना चाहेगा हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। जी मैम ये ऐसे ही है, व्हाई इज दिस द केस, ठीक है? इसका हम थोड़ा जनरल ओवरव्यू देंगे, उसके बाद हम कोई एक पॉइंट लिखेंगे इसका, डू यू थिंक इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है? अगर कोई पॉजिटिव हम लिखेंगे, ठीक है, तो उसका हम पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ऊपर वाली, सम चिल्ड्रेन स्पेंड ओवर एवरीडे स्मार्टफोन, तो इसको पहले हम पैराफ्रेज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट को हम लिखेंगे, अगर हम पॉजिटिव को लिखते हैं तो पॉजिटिव की 2 पॉइंट्स हम लिखेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स, या अगर नेगेटिव की लिखते हैं तो नेगेटिव की 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ में आएंगे। बॉडी पैराग्राफ में जो जो भी ये पॉइंट्स हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में दी थी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की, उसको हम ब्रीफली एलोबोरेट करेंगे अपने पैराग्राफ में, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे उसका। सर आप अपने पहले बॉडी पैराग्राफ में क्या कुछ डिस्क्राइब करेंगे ये बताएं, पहले बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे और सेकंड में क्या लिखेंगे, जिस मुझे बताएंगे उसमें भी पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उसमें आप अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहे होंगे या नेगेटिव, लाइक जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप जी उनमें क्या मैम डिस्क्राइब करने वाले हैं, जस्ट मुझे ये बता दें जनरल आइडिया दे दें। जी मैम जिस तरह अगर बिलफर्स में इनमें से अगर मैं पॉजिटिव साइड को मैं अगर डिस्कस करता हूँ, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव की जो 2 पॉइंट्स होंगी, ठीक है, 2 सेंटेंसेस वगैरह के, मतलब चिल्ड्रेन को आजकल के दौर में स्मार्टफोन क्यों स्पेंड कर रहे हैं, उनके एजुकेशन वगैरह, क्योंकि होम स्कूलिंग ऐसी हो गई है, ठीक है, 2 पॉइंट्स मैं ऐसे लिखूंगा जो उनको, जो हमारे इस जो स्टेटमेंट है इसको सपोर्ट करे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है इसको ये सपोर्ट करे, 2 पॉइंट्स हमने ऐसे लिखने हैं। फिर उन्हीं पॉइंट्स को जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, उन्हीं को हमने फर्दर मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर ये चीज़ है जो मैंने ये ओपिनियन दिया है, इसी को हमने बॉडी पैराग्राफ 2 में जो होगा हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें हम इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे कि ये क्यों है, क्या सर है, सर व्हाई, व्हेन, एक मतलब और स्टेप। पॉइंट एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे पता है वो इंट्रोडक्शन को हम एलेबोरेट करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, लेकिन मेरा जी जी क्वेश्चन जी ये था आप जस्ट लाइक 2 to 3 वर्ड्स में बताएं कि अगर आप वहाँ पे अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप जो है अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे सेकंड में दूसरे को डिस्कस करेंगे, क्या आप ये करने वाले हैं या आप जो है जैसे आपने कहा कि मैं वो चीज लिखूंगा जो मेरी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हो, मतलब कि जो ऊपर वाली मेरी स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन किसको सपोर्ट कर रही हो, क्या आप पहला बॉडी पैराग्राफ उस पे लिखेंगे आप सेकंड पैराग्राफ में उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे, मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आप बेसिकली उन बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हैं, तो जस्ट ये मुझे बता दें। मैम अगर मैं जो मेरे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बिलफर्स मैंने
दो पॉजिटिव एस्पेक्ट के हवाले से अगर मैंने इंट्रोडक्शन में उसकी दो पॉइंट्स लिखी हैं पॉजिटिव की, मैं नेगेटिव की अगर नहीं लिख रहा, ठीक है, बिलफर्ज मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को मैंने क्या किया है इंट्रोडक्शन में उसके दो पॉइंट्स बताएं, ठीक है, तो जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें मैं क्या करूंगा, जो एक पॉइंट होगा उसको अलग लिखूंगा और जो दूसरा होगा उसको अलग लिखूंगा, मतलब मेरे ये दो पैराग्राफ बन जाएंगे आई थिंक, हाँ दो पैराग्राफ बनेंगे पॉजिटिव के। ओके सर, यहाँ पे हमारे साथ सर आहूर आईफोन ने लिखा हुआ नाम, आई डोंट नो लाइक। अच्छा सर, काइंडली आपने भी हैंड रेस किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना जी चाह रहे हैं मेरा तो नाम आप? एहतिशाम है, ओके सर, सर तो आप प्लीज मैं कहना नेम ये जो चाह है रहा हूँ आपको कि जो हमें ये डीएम टॉपिक कर। मिला है उसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि बेसिक टॉपिक हमारे पास स्मार्टफोन का है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन स्मार्टफोन का दे के उसके बाद स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, और उसके बाद जो हमें ये टॉपिक मिला हुआ है इसके रिलेटेड थोड़ा सा डिफाइन कर दें, कैसा भी हो सकता है। सर आप जो अप्रोच बता रहे हैं बेसिकली वो एक जनरल ऐसे की है सर। आइल्स का जो पैटर्न है ऐसे का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। असल में हमने आइल्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करना है। वैसे तो हम ऐसे लिखने के बहुत सारे वेज हैं कि हम जहाँ पे, ऑफकोर्स अगर मैं एक जनरल ऐसे लिखने बैठूंगी तो मेरा पहला होगा टारगेट होगा की पॉइंट्स को टारगेट करना। मैं देखूंगी ओके स्मार्टफोन की बात है और फिर चिल्ड्रंस की बात है और फिर टाइमिंग की बात है, तो मैं इन्हीं चीजों को टारगेट कर रही हूँगी, इन्हीं चीजों को मैं डिस्कस कर रही हूँगी और बाद में जाके एट द एंड अपना ओपिनियन जो है वो अगले कुछ टू टू थ्री पैराग्राफ्स में जाके डिस्कस कर रही हूँगी। नॉर्मल एसेज की यही अप्रोच होती है, चाहे हम वो स्कूल लेवल पे लिख रहे हो या किसी हम कोई भी ग्रेजुएट लेवल पे हम लिख रहे हो, तो वही अप्रोच होती है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर हम कर रहे हैं बेसिकली स्पेसिफिकली आइट्स की प्रिपरेशन, तो इसमें ऐसे की वो एक डिफरेंट वे से अप्रोच किया जाता है। तो इसमें हम अपने इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, पैसे पहला पहले पैराफ्रेजिंग करते हैं और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो ये चीज है सर, इज दैट क्लियर? यस मैम, मैं अच्छा इसमें ऐड करूँ। चीजें जो है वो डिस्कस की, अभी मैं जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, सम चिल्ड्रन स्पेंड मैं ऐड करूँ, आवर्स। यस श्योर सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब मैं जैसे मैं देखता हूँ इस ऐसे को, वो इस तरह की जो हम इंट्रोडक्शन जब लिख रहे होंगे ना, तो हम जो ऊपर वाली लाइन है इसकी पहली, वो एक्सप्लेन करेंगे ऐसे कि व्हाई इज दिस द केस, कि हम उसमें जनरल एक आइडिया देंगे कि मतलब जिसमें हम बताएंगे कि बिकॉज चिल्ड्रन स्मार्टफोन इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो उस पर स्टडी करते हैं और वो चीज़ें सीख सकते हैं जो वो अपनी स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते, एंड बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं एंड इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। एंड देन जो मैं जाऊंगा फिर पॉजिटिव की साइड पे, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पॉजिटिव, तो मैं दोनों पैराग्राफ पॉजिटिव के ही लिखूंगा, दो अपने फीचर या दो पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा जिसमें मैं दो एक एक में डिस्कस करके फिर एग्जांपल दे दूंगा कोई, एंड देन सेकंड में सेकंड पॉइंट डिस्कस करके और कोई एग्जाम्पल दे दूंगा, तो ये इस तरह से ही होगा आई थिंक सो। ओके मतलब सर आप कह थोड़ा रहे सा हैं ना कि ये आप जो है बेसिक ना ओवरव्यू बॉडी दे दोनों दें कि पर। ये हमने किस तरह करना है, स्टार्टअप किस तरह करना है हमने इसका ऐसे का। जी सर, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सर। सर से क्या मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में इसके दो डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये बताया अभी। जी जी दो मैं पॉजिटिव को ही करूंगा, ओके सर तो क्योंकि यहाँ अच्छा हमें मैं ये अभी बताना है इसको ना कि एक्सप्लेन, इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो हमने ये बतानी है, तो मेरे ओपिनियन से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है एक, बिल्कुल। तो मैं पॉजिटिव पॉइंट रखूँ आगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। जी सर आदिल आप बताएं। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर इधर ये लिखा होता डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, तो हम क्या करते कि पॉजिटिव के भी हम एक्सपेक्ट जो फीचर्स हैं वो भी हम उसमें ऐड करते और नेगेटिव के भी करते, क्योंकि अभी इधर है डू यू थिंक इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव, या अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जिस तरह सर सकलेन ने कहा कि दो पॉइंट्स हमने वो करने हैं, तो उसको फिर हमने थोड़ा ब्रीफली उसमें बॉडी पैराग्राफ में लिखना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है एक में और दूसरे में भी इसी तरह, ठीक है, और उसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं लास्ट पे, तो ये था मेरा कुछ। मैम एक्चुअली ये जो ऐसे मुझे लग रहा है ना, ये वन ओपिनियन ऐसे मुझे लग रहा है। तो वन ओपिनियन ऐसे में हम बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू में हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो तो इधर अगर हमने सेलेक्ट किया है पॉजिटिव, तो बॉडी पैराग्राफ दोनों में हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट ही डिस्कस करना होगा क्योंकि ये वन ओपिनियन ऐसे है।
अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट में हम लेते हैं तो बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू में, वो फिर हम एक में नेगेटिव दूसरे में दूसरा नेगेटिव पॉइंट। अगर हमने बॉडी पैराग्राफ वन में सपोज पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करना है तो उसको हमने विद एग्जाम्पल वो इलाबोरेट करना होगा, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में भी। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा ओके, अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या? जी सर, आप बोले सर अरसलान। मैडम, मैं इसके अंदर ये ऐड करना चाह रहा था कि ये जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की बात चल रही है ना, तो इसके अंदर जो ऐसे की जो राइटिंग होगी वो इस तरह से होगी हमारी बॉडी के अंदर कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बताने पड़ेंगे। मेरी ये थिंकिंग है, दोनों बताने पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर ये है कि डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? हम किस चीज के ऊपर एग्री करके बात करते हैं, एंड में हमारी कंक्लूजन किसी एक जगह पे जाना चाहिए, ये होगा। बाकी आप कंटिन्यू करें। ओके थैंक यू सो मच सर। सबने मतलब कि आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, थैंक यू सो मच। सर अभी मैं ये यहाँ पे एक बार फिर से स्टेटमेंट जो रीड करती हूँ कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि चिल्ड्रंस के बारे में वो स्मार्टफोन किस तरह से यूज करते हैं। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज फोकस करनी है, क्या इसके बाद जस्ट डायरेक्टली ये है? देखिए अगर इसके बाद डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता तो मुझे क्या करना था, मुझे करना था यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करना है, अपना डायरेक्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना है। नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है व्हाई इज द केस, ठीक है वो स्मार्टफोन पे है क्यों, रीजन क्या है इसकी। अब मैं बताती हूँ उसको किस तरह से करना है। ये हमारा हमारी टाइप है, ये वो टाइप है जिसमें हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं अपनी स्टेटमेंट में, हमें दोनों को एक्सप्लेन करना है। आप लोग ये चीज, इतनी बड़ी चीज को आप लोग मिस कर गए हैं कि हमें ये भी तो दिया हुआ था कि ये तो जनरल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपकी हर क्वेश्चन में आती है जो आपको ये ऊपर लाइन नजर आ रही है पूरी, और उसके बाद आपको क्या होता है, आपको किसी भी उस टॉपिक के बारे में या तो आपको कोई डिफरेंट व्यूज जो हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स डिस्कस करने होते हैं या तो सिंपली आपको अपना एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करना होता है। लेकिन इस केस में देखें, आपके इस आपके ओपिनियन से पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी रखी है आपके सामने, और वो ये है कि वाई इज दिस केस। अब देखिए नॉर्मली अब आप रीजन लिखेंगे इसमें कि हम कि चिल्ड्रन जो है वो स्मार्टफोन यूज क्यों कर रहे हैं, तो आप उन उसमें अब आप देखें उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें डिस्कस करेंगे। आप क्या बताएंगे उन्हें, आप बताएंगे कि स्मार्टफोन क्यों यूज कर रहे हैं, उनकी स्टडी के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब मोस्टली अब देखिए हम बच्चों को मोबाइल फोन देते क्यों, हम कहते हैं कि वो पढ़ेंगे, अभी ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम हो गया, ये हो गया। आपने अपने जनरल सराउंडिंग्स में देखना है कि ये चीजें हो रही हैं, उनको हम सेलफोन देते हैं कि वो इंटरटेनमेंट भी कर लें। अच्छा छोटे बच्चे तो वही से स्टार्ट हो जाता है कि उनको कार्टून के लिए दे दिया जाता है सारा कुछ, तो रीजन वहां से आती है कि स्मार्टफोन जो है उनके हाथ में दे जाता है स्टडी पर्पज के लिए। अब वो अगर हम जनरली देखें तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन आप ये देखें कि वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई इज दिस केस, उनके हाथ में स्मार्टफोन हैं क्यों, वो क्यों यूज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। आपके दो बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ वो जिसमें आप ये केस डिस्कस करेंगे कि ये जो केस है, ये जो सिनेरियो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं। ओके और सेकंड में फिर हम देखेंगे, हमने अपना ओपिनियन रखना है। अब आपके ख्याल में ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नहीं है या एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो आप क्या करेंगे आप इसमें। अब ये इट्स अप टू यू, आप इवन के इसको एक एस्पेक्ट भी लेकर चल सकते हैं। एक अच्छी अप्रोच ये होगी कि आप इसमें दो पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दें या सपोज दो नेगेटिव पॉइंट्स लिख दें, इट्स टोटली अप टू यू देन। लेकिन आपने क्या करना है, इवन कि जब हम अपना अब इंट्रोडक्शन लिखने वाले होंगे तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे, और पैराफ्रेजिंग के बाद, अच्छा पैराफ्रेजिंग में ऑफकोर्स मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पैराफ्रेज करना है, और मैं अच्छा यहाँ ये पैराफ्रेज करना है और इसका आंसर देना है कि वाई इज दिस केस। तो मैं उसमें वही एक सिनेरियो जैसे मैम ने डिस्कस किया कि मोस्टली जो है स्टडी के लिए हम कर रहे होते हैं, चिल्ड्रंस जो है मोस्टली स्टडी के लिए, अभी LMS है और ये है, ये तमाम क्या है वो ऑनलाइन सिस्टम है, स्टडिंग सिस्टम है, और डिफरेंट रीजंस हैं इसके पीछे के, जैसे अभी कोई भी इस तरह का एपडेमिक हो जाता है तो प्रेफर किया जाता है कि ऑनलाइन लर्निंग हो, तो हम इस तरह के क्या है, हम इस तरह की रीजंस देंगे कि इन रीजंस की वजह से जो है वो स्मार्टफोन जो है अभी चिल्ड्रन जो है वो टाइम टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। उसके बाद बट इन माई ओपिनियन क्या है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है ही, बट इन माई ओपिनियन इट लीड्स टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल। तो ये मैंने अपना ओपिनियन एट द एंड दे दिया। अब मैं नेगेटिव इम्पैक्ट को ले रही हूँ, फिर मैं उसके बाद लिख दूंगी वाई इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज उनका जो भी फिजिकल एक्टिविटी है दैट हैज बीन इफेक्टेड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ दीज सेल फोन्स, ठीक हो गया। तो ये मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। अब मुझे पता है मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है। अब मैं अपने बॉडी पैराग्राफ में मैं वो एस्पेक्ट लिखूंगी कि वाई इज द केस। अब वाई इज द केस में वही एजुकेशन वाला एस्पेक्ट बताऊंगी। अब देखिए नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो मैं कहूंगी नहीं, एजुकेशन वाला तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया,
लेकिन नहीं, अब ये भी देखें कि वो रीजन भी तो है उनके हाथ में, हमने सेलफोन्स या स्मार्टफोन्स पकड़ा दिए हैं, तो वो आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हो गया। उसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर लूंगी, मैं डिफरेंट जो है एग्जाम्पल दे लूंगी कि कौन सी सिचुएशन में उनके हाथ में मोबाइल या स्मार्टफोन्स है। और रिसेंट जो मेरे माइंड में भी बन रहा है कि मैं तो कह दूंगी कि कोविड-19 जो है अभी एपिडेमिक जो गुजरा है, तो वो एक उसने तो इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया है कि अभी जो एजुकेशन है वो आपकी टोटली ऑनलाइन होती जा रही है। लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एज कम्पेयर टू फिजिकल, तो वो मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ। लेकिन वो एक देखिए पॉजिटिव चीज है कि आपको इतना कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इजिली एक्सेसिबल है आपका जो रीडिंग लर्निंग मटेरियल है। लेकिन अब देखेंगे, लेकिन वो क्या है, वो एक रीजन है, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव ले सकते हैं, बट स्टिल आई एम डिस्क्राइबिंग द काजेज, आई एम डिस्क्राइबिंग द रीजन्स। ठीक हो गया, फिर मैं उसके बाद लिखूंगी बट इन माई ओपिनियन स्टिल इट्स अ गुड थिंग, बट इन माई ओपिनियन के अ लॉट ऑफ लाइक दे आर यूजिंग सेल फोन एंड देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो कि उनकी समटाइम्स उनकी एज भी नहीं होती, वो ऐसे कुछ स्टफ जो है वो उसको देख रहे होते हैं और इस तरह की चीजें, तो उसको मैं फिर नेगेटिव अपना डिस्क्राइब करूंगी। दूसरे कि वो कॉन्स्टेंटली टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो वहां पे इफेक्ट हो गई हैं, या मैं बताऊंगी कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो वहां पे बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। तो मैं फिर नेक्स्ट अपने जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें मैं अपना जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स उनको डिस्कस कर लूंगी। एट द एंड भी मैंने कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में वही जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था उसको मैंने कंसाइज कर देना है कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो बहुत जो यूज है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा है, उससे ये है कि वो हेल्पफुल तो है इनकी स्टडीज के लिए बट स्टिल उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो कि मैं डिस्क्राइब कर चुकी होंगी। तो ये चीज है, ये इसका क्या है, ये इसका बेस्ट वे है इसको डिस्क्राइब करने का। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, ये जब इसको कंक्लूड करेंगे तो आखिर में फिर जी सर, पॉजिटिव लिखेंगे हम या नेगेटिव लिखेंगे? असल में हमारा जो कंक्लूजन होता है वो हमारे हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जो चीज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखी है जिसमें उसको थोड़ा सा कंसाइज करके अपने सेंटेंस को मैंने वही चीज ही अपने कंक्लूजन में लिखनी है। टू कंक्लूड दैट, मैं बोल दूंगी, टू कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द स्मार्टफोन्स वाइब फॉर द लर्निंग पर्पज, बट स्टिल इन माई ओपिनियन दैट कैन बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज इट इम्पैक्ट देयर फिजिकल हेल्थ। तो मैं इस तरह से बस ये मेरा कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन आपका मैक्सिमम 2 लाइन्स का हो जाता है, 1 to 2 लाइन्स का। ठीक हो गया, ये आपका जो है ऐसे हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या आप अपना कोई मैम, आइडिया शेयर करना चाहते हैं और आप। जी सर, ये कोई हेडिंग्स आप डिफाइन कर दें कि जिस तरह हम ये ऐसे को सोल्व कर सकें आसानी के साथ, ताकि हमें पता हो कि हमने इस हेडिंग में ये वाला पैराग्राफ ऐड करना है और इस हेडिंग में हमने ये वाला पैराग्राफ ऐड करना है, इजी हो जाता है। सर मैं सर आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड किया, आप किस तरह की हेडिंग की बात कर रहे हैं, आप आउटलाइंस की बात कर रहे हैं कि आउटलाइंस होनी चाहिए। जी, आउटलाइंस कोई हेडिंग डिफाइन कर देना कि हमने इस ऐसे में इस हेडिंग में ये लिखना है, तो इजी हो जाता है। ओके सर, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब भी हम करते हैं आइल्स में तो इसमें हम आउटलाइन वैसे लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा ऑफकोर्स वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, और इवन कि आप ओके, कहीं भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो आपको पता है आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपका इंट्रोडक्शन वो आपके पूरे ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपने अभी ऐसे में जाके क्या अपना क्या परफॉर्म करना है, वो आपको बता रहा होता है। इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ भी वही केस है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब सेकेंड पैराग्राफ में, अच्छा सेकेंड सब अब जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो तो वेरी वेरी करते हैं ना यहाँ पे, तो मैं अगर मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे व्हाई इज दिस केस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मेरा जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है मैं वहां पे लिखने वाली हूँ द रीजंस, रीजंस व्हाई चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द स्मार्टफोन, लाइक व्हाई दे हैव देयर ओन स्मार्टफोन्स, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द काज। ठीक है सर, क्योंकि बिकॉज व्हाई इज दिस केस, तो सही यहीं से मेरा ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ का मुझे यहाँ से पॉइंट मिल जाता है। इज दैट क्लियर सर? फिर सेकंड में है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, तो मैं कहूंगी इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, दैट्स इट, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। तो सेकंड बॉडी पैराग्राफ में अपने अपना ओपिनियन डिस्कस कर रही हूँ और उसमें मैं दो 2 to 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर सकती हूँ, एंड एट द एंड कंक्लूजन अगेन वो 4 पॉइंट्स हो गए। ओके, यस सर, बेसिकली ऐसे हम इसमें 3 पैराग्राफ्स ऐड कर दें एंड कंक्लूजन ऐड कर दें, तो हमारा ऐसे कंप्लीट हो सकता है। एग्जैक्टली सर, सर ऐसे तो आपका इवन के हम अगर अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं और 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं देन कंक्लूजन लिख रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। अगर उसमें आपने अच्छी क्वालिटी का वर्ड्स यूज किए हैं और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है
दैट्स टोटली इनफ। लेकिन आपके ख्याल में अगर आपका वर्ड काउंट कम हो रहा है और या आपके पास कोई अच्छा और भी वैलिड पॉइंट है एंड स्टिल यू हैव इनफ टाइम सो यू कैन गो टू द थर्ड बॉडी पैराग्राफ, अदरवाइज टू बॉडी पैराग्राफ्स आर इनफ। वो तो डिपेंड करता है ना कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके हिसाब से फिर ये पैराग्राफ डिफाइन हो जाते हैं। You have to concise your knowledge then. ओके Actually, आपके टॉपिक्स तो बहुत वाइड हैं, but still we have just 40 minutes and we have like 250 words count ना, तो we can exceed to till 280. उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, फिर वो भी negative count होना शुरू हो जाता है. Minimum 250 and then maximum and the ideal word count is 280. So that's it. मैडम, Okay, बॉडी thank you. पैराग्राफ वन में ओनली रीजन डिस्कस करेंगे, ओनली रीजन। Yes, exactly sir, we will discuss why is the case. हमारे देखे ना हमने सर ये टाइप मुझे I don't know sir, actually मैंने वो लास्ट लेक्चर जो है मैं अटेंड नहीं कर पाई ये वो थी और डबल मैंने क्वेश्चन मतलब टाइप है ना मैम। एक डबल क्वेश्चन टाइप है वो, मैंने क्वेश्चन टाइप आई थिंक सो आई डोंट नो मतलब कि अगर सर सकलैन मैं आपसे पूछूंगी वो जो बाकी जो टू एसेज वहां पे रिमेनिंग थे उसको डिस्कस किया गया था उनको? उनमें से मेरे ख्याल से एक हुआ था, दूसरा वाला रह गया था कि पता नहीं, मैं भी सर कुछ जो दिन से फाइल मिसिंग थी था, सर जो वो नहीं याद। फाइल थी वर्ड की वहाँ पे शेयर की थी मतलब इधर जहाँ पे मतलब ये स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे डिस्कस किया था उसे? नहीं मैडम एक जस्ट डिस्कस वो हुई टेस्ट थी, वो किए टेस्ट वो किए थे, टेस्ट मतलब वो किए थे ना हमने, डिस्कस किए थे, तो उसी पे पॉइंट्स लिए थे सबके। थे। हाँ बिल्कुल हुँ. मैडम, उस वक्त मेरा नेट का इशू हो गया था, फिर मैंने आदिल सर को कहा था कि, और मैंने मैं और आदिल भाई ने फिर वो साथ में देख लिया था सेशन, वो मेरा जो मसला था उधर, ऐसे में मैंने गलत उसको समझ लिया था। इट्स टोटली फाइन सर, इट्स टोटली फाइन। मैंने कहा था कि आप जो भी इशू हो आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई कोई इशू नहीं। तो जी, ओके ओके अभी इस टॉपिक के वाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज मैं चाहूंगी कि मैडम आप ये लोग जो है जो कल। मैडम इसमें जी सपोज सर हम बॉडी पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ टू में अगर हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, सपोज हम पॉजिटिव लेते हैं, हम टू टू थ्री पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। सर पॉइंट सर इनफ, आप बता देखें आप सपोज मैं एक पॉइंट चीज डिस्कस कर रही हूँ फिजिकल एक्टिविटी को, और मैं कह रही हूँ कि जो फिजिकल उनकी एक्टिविटीज हैं और फिजिकल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है, और दूसरा मैं कहूँगी कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ भी कंस्टेंटली स्मार्टफोन से वो भी इफेक्ट हो रही है, फैमिली टाइम कम हो रहा है, और दूसरा मतलब इतना कि दो तीन पॉइंट्स लिख रही हूँ। तो इवन के अगर आप उसकी एग्जांपल नहीं दे रहे और आपका बॉडी पैराग्राफ का जो एक साइज होता है लाइक आप लाइक 7 to 8 lines अगर आपने लिख ली है दैट्स इनफ, तो आपको वहाँ पे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आप एक दो पॉइंट्स लिख रहे हैं और आपके पास एक कोई अच्छी एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई भी आप जिसमें से कहते हैं कि कोई स्टडी की गई किसी स्पेसिफिक एरिया में और उसका रिजल्ट ये आया कि उसमें देखें 78% जो थे वो स्टूडेंट्स ये स्मार्टफोन यूज कर रहे थे और इस तरह से उनकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हुई, ये कोई भी और फैक्टर कोई भी नेगेटिव फैक्टर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर इस तरह का आपके पास कोई नॉलेज है तो ऑफ कोर्स यू मस्ट शेयर दैट, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए, वो इनफ है। ओके ओके मैडम, एक दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था कल, तो उसमें यह था कि तकरीबन हमारे साथ सात ऐसे टाइप से, कुछ में था आर्गुमेंटेटिव ऐसे, किसी में था एग्री डिसग्री, वो तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, किसी में था काजेंट वैसे सोल्यूशन, काजेंट इफेक्ट और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे, फिर और था टू अपोजिंग ओपिनियन एंड योर ओपिनियन ऐसे, एंड दूसरा था और लास्ट में था मिक्सड ऐसे, तो ये वाला मिक्सड ऐसे में आता है। सर एक्चुअली अभी अभी मतलब कि मैंने खुद भी ये जो क्लास है वो सर हमारे साथ थे सर अयाज, मैंने उनसे ली थी, तो हम भी इतना इसको टाइप्स को डिस्कस नहीं किया कि ये एक आर्गुमेंटेटिव है ये डिस्कसिव है ये डिस्क्रिप्टिव है, और लाइक हमें मिक्स्ड जनरल ऐसे, एक या फिर आप कह आइडिया सकते हैं कि वो डबल डबल क्वेश्चन ऐसे है ना, देखें इसकी टाइप ये डिस्कसिव डबल हो सकता क्वेश्चन। है या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, डिस्कसिव हो सकता है आई थिंक सो, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता क्योंकि आप ओपिनियन भी दे रहे हैं ना एक। जी, हाँ ओपिनियन भी दे रहे हैं उसमें, हाँ तो मैंने कुछ उसमें थोड़ा सा स्टडी किया, तो उसमें ये था कि हर एक टाइप का ऐसे जो होता है ना, हर एक टाइप ऑफ ऐसे का अलग अलग तरीका है,
तो मैंने ये सोचा कि सपोज अगर हम इस तरह के स्टार्ट करें, जितनी भी टाइप्स हैं और हर एक टाइप को डिस्कस करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसका ये फायदा हो जाएगा, सपोज जिस टाइप का ऐसे आ जाए उस टाइप के पैटर्न पे ही हम चल पड़ लेंगे। अभी तक हमें पता नहीं था कि सम चिल्ड्रन स्पेंड आउट, अब सबने डिस्कस किया लेकिन हर बंदे का डिफरेंट था, और जो आपने डिस्कस किया, जो टू द पॉइंट आपने बताया, तो हमसे जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इस वजह से हम कह सपोज इस जैसे जब भी अब ऐसे आएगा ना, हम गलत नहीं होंगे अगर हम प्रैक्टिस करें जो आपने अभी बताया। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अगर सपोज हम इस तरह डेली बेसिस पे डिस्कस करें और हम अपने साथ नोट करें, सपोज इस तरह ऐसे आ जाए, वो ये वाला है और ये वाला है, उस पैटर्न पे चलना है। अभी आपने कहा कि सपोज ये वाला आ जाए, सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ वन में हमने इसका रीजन लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ टू में हमने इसका जो अगर जो भी एस्पेक्ट है वो डिस्कस करना है। इस तरह अगर कोई और एक्सटेंड करना चाहते हैं बॉडी पैराग्राफ थ्री पर या नहीं डायरेक्ट कंक्लूजन, तो अगर हम डेली बेसिस पे ये डिस्कस करें ना कि ये टाइप ऑफ ऐसे दिस टाइप ऑफ ऐसे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा सबके लिए। सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं टोटली एग्री हूँ आपसे सर। एक्चुअली मैंने तो ये चीज डिस्कस की थी बिल्कुल, इस जब भी हम राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज जो हैं वो डिस्कस की थी। तो इवन कि अभी मैंने आपके सामने, मैंने खुद की ऐसे पहले नहीं किया हुआ, मैंने रैंडमली इसको क्लिक किया लेकिन वो मेरे माइंड में फॉरन क्लिक कर गया, चाहिए तो कौन सी टाइप है, इसको मुझे किस तरह से डिस्कस करना है, वो फॉरन से मुझे क्लिक किया। और मैंने कहा चले आप लोगों से पूछ लेती हूँ, लेकिन आप लोगों के आंसर लाइक बहुत वेरी कर रहे थे, लेकिन हम इन टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा मैं एक बार आप लोगों के साथ ना वो फाइल दोबारा आप लोगों के साथ इधर शेयर कर दूंगी स्लैक पर ही, आप लोग उसे चेक कर लें, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा डिस्कस करूँ तो मैं ऐसे लाइक थोड़े लाइक 10 to 15 मिनट्स में उसको रिव्यू करवा सकती हूँ, जैसे आप लोग कहें। यस मैम, मैम अच्छा मैम, जो अभी आपने ये डिस्कस किया ऐसे का, तो मैंने पूछना था आपसे, जैसे ये है व्हाई इज दिस केस, उसमें हमने आपने कहा कि पूरा पैराग्राफ हमें बताना है, तो मैम इंट्रोडक्शन में जो है जब हम रिफ्रेस कर रहे होंगे तो उसमें जो हम मतलब एक सेंटेंस व्हाई इज दिस केस का डालेंगे कि मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है, और जो ओपिनियन देनी है वो फिर हम इंट्रोडक्शन में देंगे ही फिर या नहीं देंगे। मैम देंगे, हमने हमने पूरा जो अपना ओके हमने मतलब कि हमने अपने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन में हम वो सब कुछ बताएंगे जो जी हमें बॉडी पैराग्राफ तो हम लाजमी देंगे। अच्छा मैं अब यहाँ पे दोबारा से मैं जस्ट इनको अभी जी 10 to 15 सेकंड ओके जी तो सर ओके। अच्छा यहाँ पे मैडम, हमने एक अगर टाइप ये डिस्कस, वाला जो मैडम जी सॉरी, सर अगर ये फाइल आप हमारे साथ शेयर जी करें, हम सेव कर देंगे अपने साथ या क्लास के सर एंड में। जी सर सर मैंने सर आदिल इनके साथ मैंने उनके साथ शेयर किया, आई डोंट नो जी देखी जी जी होंगे, लेकिन सर, मैं आपके मैं साथ सर शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, सबके साथ इंशाल्लाह हाँ जी लिंक जी शेयर कर ओके देता हूँ। ओके जी सर, वो आप गूगल ड्राइव में करके लिंक शेयर कर दीजिएगा। थैंक जी जी मैम जी बिल्कुल मैम। यू सर ओके। वो अभी ये मतलब कि अभी हमने इस टाइप को डिस्कस किया, आप देखिए अब ये एक आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, सम पेरेंट्स थिंक दैट चाइल्ड केयर सेंटर्स प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्री स्कूल एज, अदर अदर वर्किंग पेरेंट्स थिंक दैट फैमिली मेंबर्स सच एज ग्रैंड पेरेंट्स आर बेटर केयर गिवर्स फॉर देयर यंग चिल्ड्रन। अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, अभी हमें ठीक है हमें स्टेटमेंट पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि अच्छा फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है। वो कह रहे हैं कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमें जो है उसके बोथ जो व्यूज हैं उनको डिस्कस करना है, कि जो है वो चाइल्ड केयर को कौन करेगा, मतलब कि किसको करनी चाहिए, प्रोफेशनल्स को करनी चाहिए या पेरेंट्स को लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को करनी चाहिए। तो उसने कहा कि दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपने डिस्कस करना है, देन गिव योर ओपिनियन। तो इसमें अब क्या करना है, हमने अपने अपना वो पहले इन दोनों चीजों को दोनों एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर हम प्रोफेशनल्स को अपने जो चिल्ड्रन है वो हैंड ओवर करते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके हवाले करते हैं।
तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हमको डिस्कस करेंगे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, गिव योर ओपिनियन, लेकिन आपके पास क्या लॉजिक है, आप अपने पॉइंट को किस तरह से जो है वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो केयर कर सकते हैं चिल्ड्रन की, या के जो प्रोफेशनल्स या जैसे डे केयर्स वाले होते हैं वो ज्यादा अच्छी जो है वो उनको नर्चर कर सकते हैं या उनकी केयर कर सकते हैं। तो फिर आपने ये पॉइंट अपना डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपके ऐसे की स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर हो गया कि आपने ऐसे में जाके क्या डिस्कस करना है। अच्छा, इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता रहे हैं। तो आप देखिए, मैं इसका जस्ट ये भी रीड कर देती हूँ कि इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन में पहला काम है हमारा पैराफ्रेज करना, तो मैं इसको पैराफ्रेज किया, लाइक सम आर्ग्यू दैट व्हेन पेरेंट्स आर एट वर्क क्लोज रिलेशंस प्रोवाइड द बेस्ट केयर टू यंग चिल्ड्रन व्हाइल अदर्स बिलीव डे केयर सेंटर्स आर बेटर ऑप्शन। सेम जो यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा फिर है व्हाइल, अच्छा अभी अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को, मैं डिस्कस कर रही हूँ। व्हाइल रिलेटिव्स कैन यूजली बी ट्रस्टेड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन प्रॉपरली, अब जो वो रिलेटिव्स हो सकते हैं वो अच्छी केयर जो है वो चिल्ड्रन को दे सकते हैं। आई आर्ग्यू या इन माई ओपिनियन दैट चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स आर बेटर इक्विप्ड टू केयर फॉर यंग चिल्ड्रन। अब मैंने वो चीज मेंशन कर दी। अब आप ये देखें कि मैंने एक पॉइंट, मेरा पॉइंट था कि प्रोफेशनल्स अच्छी केयर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैंने जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी डिस्कस किया कि जो रिलेटिव्स होते हैं कैन यूजली बी ट्रस्टेड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन प्रॉपरली। अब मैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या करने वाली हूँ, बॉडी पैराग्राफ में पहले मैं ये चीज डिस्कस करूंगी कि जो जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो किस तरह से इफेक्टिव हैं या वो किस तरह से मतलब के चिल्ड्रन की नर्चरिंग में और उसको लाइक ग्रो करने में, उसकी केयर में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैं वो चीज उसको डिस्कस करूंगी। फिर सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में मैं क्या डिस्कस करूंगी कि मेरे ख्याल में जो जो चाइल्ड केयर प्रोफेशनल हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, उसकी मैं रीजंस दे दूंगी फिर कि वो अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे ट्रेंड होते हैं और वेल इक्विप्ड होते हैं, इस तरह की वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है वो दोनों चीजें। जी सर, मैम, ये आपने इसमें अपना ओपिनियन दिया है, जिस तरह ये ऊपर ये स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद ये इसमें कहा गया है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसमें यस ये बोथ व्यूज मतलब पहले डिस्कस किए गए हैं, फिर उसके बाद जहाँ से ये वाइल शुरू होता है, ये आपका वो मेरे ख्याल में वो है आपका ओपिनियन है, आई थिंक। मैं आपको बताती हूँ आप थोड़ा सा तो फिर मिसकंसेप्ट कर रहे हैं सर। यहाँ से जो यहाँ तक मैंने बताया है ना, वो बेसिकली हाँ मैंने बताया बिल्कुल, है वो डिस्क्रिप्शन है, और जहाँ से बता रही अच्छा हूँ अच्छा वाइल रिलेटिव, मैं अब ये पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, और इसी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया। हाँ आई और मैंने पहले भी रिलेटिव मैम, दिया, फिर प्रोफेशनल्स का भी बता दिया, लेकिन उसी लाइन में मैंने सपोर्ट भी कर दिया कि मैं जो हूँ वो प्रोफेशनल्स के साथ हूँ। ठीक है मैंने मैम, डिस्कस दोनों को किया, अपना ठीक है ओपिनियन भी दे मैम, दिया। ठीक ओके है मैम, मैं ठीक हो समझ गया। गया, जज़ाकअल्लाह। उसके बाद जो है ये एक टाइप हो गई, फिर मैं नेक्स्ट टॉय टाइप जो है उसको फिर एक बार देख लेते हैं हम। उसके बाद ये देखिए एक और ऐसे है, लाइफ वाज बेटर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज सिंपलर, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, कम अप विद एटलीस्ट टू आइडियाज। अब ये चीज भी आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने दो आइडियाज को जो है वो डिस्कस करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, या तो आप एग्री करेंगे या तो आप डिसएग्री करेंगे, बहुत सिंपल ऐसे है, आपने या तो एग्री करना है या तो डिसएग्री। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो उसके दो एटलीस्ट जो पॉइंट्स हैं, जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं, लॉजिक्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप देंगे, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उसके दो आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे। तो इस तरह से आप इस ऐसे को लिखेंगे कि आप देखें लाइफ, मैं दोबारा से इसका भी जैसे इंट्रोडक्शन रीड कर देती हूँ। इट इज आर्ग्यूड दैट आवर लाइव्स वर मोर फुलफिलिंग व्हेन टेक्नोलॉजी वाज लेस कॉम्प्लेक्स। अब वो वहां पे वो बात सिंपलर की बात है, यहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स हमने इसको पैराफ्रेज किया लेकिन एक अच्छी वर्डिंग के साथ, यही एज इट इज उसको लिख दिया, लाइक बट एक अच्छा सा सेंटेंस बना के हमने उसको लिख दिया। फिर है आई कम्प्लीटली डिसएग्री, अब मैंने वो एग्री करना है या डिसएग्री करना है। आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट एंड बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ मच बेटर बिकॉज स्मार्टफोन सेव अवर टाइम, पहला पॉइंट हो गया। मैंने दो पॉइंट्स लिखने हैं ना, पहला पॉइंट हो गया एंड द सेकंड पॉइंट द इंटरनेट हैज इंप्रूव्ड एजुकेशन। अब मैं क्या करूंगी अपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में, मैं डिस्कस कर रही हूँ स्मार्टफोन्स को। देखिए पहली बात तो यही ना कि पहला तो आपने जस्ट पैराफ्रेज किया वो हो गया, अभी नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स की मैंने बात की, बॉडी पैराग्राफ्स में मैंने डिसएग्री करना है और डिसएग्री मैंने करना है, ये दो वेज थे। एक तो मैं
कि मतलब कि स्मार्टफोन जो टेक्नोलॉजी है लाइफ उसने इजी कर दिया, किस तरह से स्मार्टफोन मतलब सेव टाइम करते हैं। मैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो सारा फोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर लिखूंगी, और जो मेरा सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा मैं क्या करूंगी, इंटरनेट और एजुकेशन के ऊपर लिखूंगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेरे बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये इसी टाइम में कवर हो जाए। मैम, इसमें आपने एंड पे कंक्लूजन भी ऐड की है। यस सर, यस सर, कंक्लूजन भी है इसको, मैं भी अच्छा दिखा देती हूँ कि अभी कंक्लूजन आपको समझ आ गया। मैं इसको कंक्लूजन पढ़ देती हूँ। इन कंक्लूजन आई बिलीव दैट लाइफ हैज बीन ग्रेटली इम्प्रूव बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, पार्टिकुलरली लेबर सेविंग फोन्स एंड द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। अब ये देखिए, वहां पे मैंने यूज किया हुआ था कि इंटरनेट फॉर द एजुकेशन पर्पज, और यहाँ पे वो उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कर दिया बाय द इंटरनेट। और ये ऊपर वाली वही बात कि जो टेक्नोलॉजी है उसने आपकी लाइफ को क्या कर दिया, इजियर कर दिया है, ग्रेटली इम्प्रूव कर दिया। और फिर वो एक मैंने दूसरा फोन का जिक्र किया हुआ था, वहां पे इसको भी यही जिक्र किया, लेबर सेविंग फोन। तो क्या हो गया, थोड़ा सा कंसाइज कर दिया इसको अभी एक ही सेंटेंस में, लाइक कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। तो कंक्लूजन क्या है, वो फिर आपके जो इंट्रोडक्शन होता है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको थोड़ा सा कंसाइज कर देते हैं। इज इट क्लियर? ओके ओके, हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। अब ये देखें मॉडर्न चिल्ड्रन, अब ये देखें वो जो कह रहे थे ना कॉजेज एंड सॉल्यूशंस वाला, तो ये आपका ऐसे है कि मॉडर्न चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस दैट वर वंस कंसीडर्ड टू ओनली बी मेंट फॉर एडल्ट्स। ओबेसिटी इज अ मेजर डिजीज प्रेवेलेंट अमंग चिल्ड्रन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी ऑफर्ड। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको एक आपकी स्टेटमेंट मिल गई, फिर हमने पूछा कि अच्छा ये हम किसी डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसकी कॉजेज भी बतानी है और सॉल्यूशंस भी बताने हैं। ये तो लाइक बहुत ईजी है, आपने क्या करना है उसी को पैराफ्रेज करना है, और आपने उसके साथ बता देना है कि इसकी काजेस क्या है। अच्छा, इसको पूछा गया काजेस क्या है, तो अब ये नहीं करेंगे आप एक काज लिखें, तो एटलीस्ट आपको दो काजेस लिखनी चाहिए एटलीस्ट। और इसी तरह से आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट टू सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करने चाहिए। अब आपको पूरा ऐसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप जो काजेज हैं उनको डिस्क्राइब कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, और आपके जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा ऑफ कोर्स आप उसमें अपने सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे। सो ये आपका ये ऐसे क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके बाद मैं इसको भी मैं इंट्रोडक्शन रीड कर देती हूँ। बीइंग ओबीज वाज वंस ओनली अ कंडीशन दैट एडल्ट्स सफर्ड फ्रॉम, बट इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। दिस एसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट फूड, अच्छा यहाँ तक क्या हो गया उसको पैराफ्रेज कर दिया, फिर अब बता रही हूँ कि दिस एसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट फूड एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर द प्राइमरी कॉजेस। ये मैंने प्राइमरी कॉजेस बता दी टू दिस ग्रोइंग प्रॉब्लम एंड द आउटलाइन हाउ एजुकेशन एंड इंक्रीज एक्सरसाइज आर द मोस्ट वायबल सॉल्यूशंस। मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस भी बता दिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं कौन सी चीजें अपने बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करने वाली हूँ। अब मुझे पता है जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में उसमें डिस्कस करूंगी कि फास्ट फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, और किस तरह से वो जो ओबेसिटी है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है चिल्ड्रन में। दूसरा मैं फिर सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखूंगी, मैं उसके सोल्यूशन भी दूंगी कि ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं अगर हम मतलब कि एजुकेशन और अवेयरनेस उसको डिस्कस कर लूंगी। दूसरा कि अगर हम उनकी जो चिल्ड्रन की लाइफ है उसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज ले आए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस ले आए, तो ये जो है वो अच्छे सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया। इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसका भी मैं कंक्लूजन रीड कर देती हूँ, इसको किस तरह से कंसाइज किया है कि अभी मैंने यहाँ पे मुझे एडल्ट्स को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे बताया था कि जैसे एडल्ट्स वाली डिजीजेस उनमें आ गई है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं अब क्या करूंगी, मैं लाइक अभी स्टिक कर जाऊंगी अपने मेन पॉइंट के साथ कि जो हम चिल्ड्रन की बात करें, मैनी चिल्ड्रन आर स्ट्रगलिंग विद देयर वेट बिकॉज ऑफ ईटिंग टू मच जंक फूड कंबाइंड विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक हो गया कि वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं वेट के साथ, जंक फूड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हाउ एवर इफ स्कूल्स गिव चिल्ड्रन इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क दे आर टेकिंग बाय डूइंग दिस एंड रिक्वायर चिल्ड्रन टू टेक मोर एक्सरसाइज द प्रॉब्लम कैन बी एलिवेटेड। तो यहाँ पे मैंने उसके सोल्यूशन बता दिए कि स्कूल हेल्प कर सकते हैं हमें, और एक्सरसाइजेस जो है वो हेल्प कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में। इसके बाद से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, इसके कॉजेज और सॉल्यूशंस कितने कितने पॉइंट्स इनफ हैं? एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू। ओके मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 3 में भी आपने बताया कि दिस एसे विल एक्सप्लेन या विल एलिबरेट जो भी दिस एसे करके, तो क्या ये मतलब जी एक क्या ये एक अच्छा पॉइंट है कि लाइक हम दिस एसे करके हम इंट्रोडक्शन में ऐसे बता सकते हैं? मैम, अगर आप जनरल बता रही हैं तो
दिस ऐसे मतलब कि अब ये देखें, इसमें आपका ओपिनियन नहीं था, जनरल से मुराद ये है कि अगर आप, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है तो आप दिस ऐसे करके टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एक जनरल टॉपिक के ऊपर और जनरल काजेज जो कि जनरल हैं, एवरीवन नोज देम, आप वो चीजें डिस्कस करने वाली हैं, तो आप ये बता सकते हैं, आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट वो, आपको यहाँ पे आई भी करने की जरूरत नहीं है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस, वो भी सही है, ये भी सही है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकती हैं। ओके थैंक यू। ओके नाउ कम्स फोर्थ। ओके यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे स्टेटमेंट डायरेक्ट आप इसको देखें तो मेरी नजर वैसे यहीं पे गई है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र है, तो ये भी एक सिंपल ऐसे है, आपने एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं और फिर डिसएडवांटेजेस का जिक्र, उसका जिक्र करना है। अब ये भी एक क्लियर चीज है कि आपसे डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, आप एक नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट आप दो लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी एक अच्छी अप्रोच किया है, आप एटलीस्ट दो दो लिखें, ठीक है, इससे आप ज्यादा तीन भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल वही बात कि आप ये ना हो कि इररिलेवेंट चीजें लिख रहे हैं और अपना टाइम वैसे वेस्ट कर रहे हो, आप ये लिखें कि जो चीज आप लिख रहे हो वो क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वो कैप आप यूज करें, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट, वो इनफ है। अच्छा यहाँ पे देखें आप, एयर ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंगली यूज टू एक्सपोर्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू कंट्रीज वेयर दे कैन नॉट बी ग्रोन और आर आउट ऑफ सीजन। अब आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि हम ये फूड की बात है वो किसमें से एक्सपोर्ट हो रहा है, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अब इसमें हमने दोनों चीजों को डिस्कस करना है, तो हम अपने एडवांटेजेस भी डिस्कस कर रहे होंगे और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर रहे होंगे। ओके हमारा अभी जो है वो टाइम जो है अप हो गया है, हम इसको कल यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और हम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है आप उसको उसको लिख कर आएंगे, जो भी आपको समझ आता है, हमने उसको डिस्कस कर लिया कि उसको किस तरह से डिस्कस करना है, फर्दर ये जो दो तीन टाइप्स रहती हैं उसको मैं कल इंशाल्लाह दोबारा से एलेबोरेट कर दूंगी। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन, सी इंशाल्लाह मैम, यू। Yes. थैंक यू सो मच मैम फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड जितने भी आपने टॉपिक अभी जो डिस्कस किया था, तो हमसे पहले मिस्टेक हो गई थी उसमें, तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लेरिफिकेशन एंड काफ़ी अच्छा रहा आज ऑल का राइट सेशन। सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।